75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सरकार के द्वारा भेजा जा चुका है। और आज ये जो छठवीं किस्त है, छठवीं किस्त में 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया आज आपके कर कमलों के द्वारा किसानों की जेब में जाएंगे। पूरे देश के किसान आज बहुत ही उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम को आपका संबोधन सुनने के लिए लालायित हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, 8 जुलाई को आपने कृषि अवसंरचना के लिए जो फंड आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत घोषित किया था उसको मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की। तब से आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में विभाग ने द्रुत गति से काम किया और आज हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं कि 8 अगस्त को 1 महीना पूरा हुआ, आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की भी तिथि है और आज भगवान बलराम जी का भी जन्मदिन है। और इस महत्वपूर्ण दिन पर 2282 पैक्स को 1128 करोड़ का ऋण आपके कमलों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, यह मैं समझता हूं कि अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। मैं इस अवसर पर समूचे किसान जगत की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे बटन दबाकर पीएम किसान योजना के अंतर्गत सम्मान राशि का अंतरण करें। 17,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि लाभार्थियों बैंक खातों में तत्काल ट्रांसफर हो जाएगी। खड़ा होना पड़ेगा, पीएम खड़े हो गए। बटन दबा। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत 2282 पैक्स को 1128 करोड़ रुपए की लोन स्वीकृत किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे कृपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधा का शुभारंभ करें। हाँ बताइए भाई, अपना परिचय, कहाँ से हैं आप? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं मुकेश शर्मा, सोसाइटी लटेरी, जिला विदिशा से हूँ। आपकी समिति क्या काम कर रही है? ये समिति को कितना समय हो गया? मेरी समिति 1967 से कार्यरत है तथा हम किसानों को केसीसी, फसली ऋण, फसल बीमा, खाद बीज उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा समिति उपार्जन का कार्य भी करती है और समिति का बचत काउंटर भी है। आपकी क्या पढ़ाई हुई मुकेश जी? आप कितना पढ़े हैं? एमए किया है। खेती करते हैं? खेती करते हैं जी सर। कितनी जमीन है जी? खेती 15 बीघा जमीन है। अच्छा, और आपके कितने किसान इसके साथ जुड़े हैं, आपके इस काम के साथ? 1125 के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब फिर से अपने गांव और जमीन से जुड़ जाता है तो सिर्फ अपना ही भविष्य नहीं, करीब 1100 परिवारों की जिंदगी बदल रहा है। तो मुकेश जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा, अभी जो कोरोना काल में, तो मुझे मैं जानता हूँ हर किसी को कुछ न कुछ कष्ट हुआ है, आपको भी असुविधा हुई होगी, ऐसी स्थिति में कैसे सब चीजें कैसे मैनेज की आपने? जी हाँ माननीय सर, कोरोना की वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू तथा यातायात सुविधा बंद होने से हमें थोड़ी असुविधा जरूर हुई,
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को लॉकडाउन में और यातायात में छूट प्रदान की गई थी, जिसके कारण हम अपनी गेहूं खरीदी कार्य एवं ऋण व्यवसाय का काम संतोषजनक एवं सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप कर सके। अच्छा, मध्य प्रदेश के किसानों ने तो इस बार जी सर रिकॉर्ड पैदावार की है जी सर, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों को देश के और किसानों के साथ साथ बधाई भी देता हूँ। आपको तो और आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, फसल की खरीदी भी करते हैं जी सर, इस बार आपने ऐसा क्या किया, क्या अलग किया इस बार? जी माननीय सर, मध्य प्रदेश में ईश्वर की कृपा से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। हमारी समिति ने करीब 8 करोड़ रुपए के लगभग 40,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की, 3,000 क्विंटल चने की खरीदी की और कृषकों को मोबाइल एसएमएस के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग पर रखकर मैसेज भेजे गए, जिसमें किसानों द्वारा 2 गज की दूरी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हमारे द्वारा मास्क सभी लोगों को लगवाए गए, सैनिटाइजर का उपयोग किया गया और समय समय पर हाथ साबुन से धुलवाया। मतलब कि गांव का किसान भी मोबाइल टेक्नोलॉजी इन सबको समझ लेता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसको? नहीं सर, वो किसी के मान लो किसी को समझ में नहीं आता, उसका परिवार वालों को समझा दिया जाता है। अच्छा, परिवार के लोग उनको मदद कर लेते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से अब उसको बराबर से आपका सेट हो गया। अच्छा, जब आपको ये सस्ता ऋण मिलने वाला है, क्योंकि आपको काफी पैसा बचने वाला है, तो इससे आप क्या क्या सुविधाएं अपने जो 1100-1200 किसान है उनको क्या क्या सुविधा देने वाले हैं? इसमें सर तहसील स्तर पर अपन सोच रहे हैं कि मैं 5,000 मैट्रिक टन का एक गोदाम बनेगा और ग्रेडिंग प्लांट सूचना केंद्र ई मंडी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी फसल को तुरंत ना बेचकर अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार में बेच सकते हैं। तो मुकेश जी, मैं समझता हूँ कि आप ये जो कदम उठा रहे हैं बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा एक काम करेंगे आप जी सर? देखिए, सरकार ब्याज भी कम कर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में धन भी दे रही है, और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब इसका नेतृत्व करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आता है, लेकिन क्या आप किसानों को समझाएंगे कि हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है? जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान, कम से कम आपके जो 1100-1200 किसान, वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे, अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे, कम से कम 2 थैली कम करेंगे, ऐसा आप किसानों को वचन लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत फायदा, उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। अब क्या करोगे? किसान भी समझ, तो मैं कभी फोन करके पूछ। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बायो फर्टिलाइजर सर रखवाया भी है अपने इधर है, और वो किसानों को अपन देते भी है। नहीं, यूरिया कम करना एक तय करना चाहिए। देखिए, किसानों का फायदा अभी उनको अंदाज नहीं आ रहा है, उनको लगता है जितना ज्यादा डालेंगे फायदा होगा। ये धरती माता हमारी, इवन हम भी अगर जरूरत से ज्यादा दवाइयां खाएं तो क्या होगा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ऐसा ही यूरिया का है, हमारी धरती माता हो मर जाएगी तो उसको मरने नहीं देना है जी। बिल्कुल सर, तो चिंता करोगे? चलिए मुकेश जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, और मध्य प्रदेश के और विदिशा के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मैं सबसे पहले तो श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारी, कृषि विभाग की पूरी टीम, बैंकिंग सेक्टर के मित्र, इन सबको मैं बधाई देता हूं
क्योंकि आज छुट्टी का दिन होने के बाद भी बैंक समेत सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि कृषि मंत्रालय ने आज का रविवार होने के बाद भी जो दिवस पसंद किया है, और उसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा प्रेरक है। आज हल षष्ठी है। हम किसान भाई बहन बहुत भली तरह जानते हैं कि आज हल षष्ठी है, भगवान बलराम जी की जयंती है, और किसान भगवान बलराम को पूजता है, हल की पूजा करके ही अपने कारोबार को चलाता है। तो ऐसा एक पवित्र दिवस आज एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर मेरे किसान भाइयों बहनों को हल छठ की और दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते, आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। साथियों, दशकों से ये मांग और मंथन चल रहा था कि गांव में उद्योग क्यों नहीं लगते। जैसे उद्योगों को अपने उत्पाद का दाम तय करने में और उसको देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी रहती है, वैसी सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिलती? ये अन्याय किसानों के साथ क्यों हो रहा है? अब ऐसा तो नहीं होता कि अगर साबुन का उद्योग किसी शहर में लगा है तो उसकी बिक्री सिर्फ उसी शहर में होगी। साबुन तो देश के हर कोने में, दुनिया में कहीं पर भी बिक सकता है, लेकिन खेती में अब तक ऐसा नहीं होता था। जहां अनाज पैदा होता है तो किसान को स्थानीय मंडी में जाकर के ही उसको बेचना पड़ता था। इसी तरह ये भी मांग उठती रही कि अगर बाकी उद्योगों में कोई बिचौलिए नहीं है तो फसलों के व्यापार में ये बिचौलिए क्यों होने चाहिए।
अगर उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो वैसा ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए भी मिलना चाहिए। साथियों, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले ईनाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई, अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इसी तरह एक और नया कानून जो बना है उससे किसान अब उद्योगों से सीधी साझेदारी भी कर सकता है। और मैं बताऊं, भारत के उद्योग जगत का जितना निवेश गांव और किसान में होना चाहिए था वो बहुत यानी नगण्य था, मामूली था, और उसमें हमारे कुछ कानून नियम भी आड़े आते थे। अब देखिए, जैसे आलू का किसान चिप्स बनाने वालों से फल उत्पादक यानी बागवान जूस मुरब्बा चटनी या कोई आयुर्वेदिक पौधे वाले किसान है तो फार्मेसी को, जैसे उत्पाद बनाने वाले जो उद्योग हैं उनके साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है। इससे किसान को फसल की बुआई के समय तय दाम मिलेंगे जिससे उसको कीमतों में होने वाली गिरावट से राहत मिल जाएगी। साथियों, हमारी खेती में पैदावार समस्या नहीं है बल्कि पैदावार के बाद होने वाली उपज की बर्बादी ये बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे किसान को भी नुकसान होता है और देश को भी बहुत नुकसान होता है। इसी से निपटने के लिए एक तरफ कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है और दूसरी तरफ किसानों को सीधी मदद दी जा रही है। अब जैसे आवश्यक वस्तुओं से जुड़ा एक कानून हमारे देश में बना था और कई दशकों पहले बना था, लेकिन वो क्यों बना था? क्योंकि उस समय देश में अन्न की कमी थी, भारी कमी थी, और इसलिए उस कानून की जरूरत थी। लेकिन आज तो अन्न के भंडार इतने भरे पड़े हैं कि इस प्रकार की रोक किसान का भी, अर्थव्यवस्था का भी और कंज्यूमर का भी नुकसान होता है। लेकिन बड़ा हैरान की है कि ये कानून अभी भी चलता रहा जब हम दुनिया के दूसरे बड़े अन्न उत्पादक बन चुके हैं, तब इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। गांव में अगर अच्छे गोदाम नहीं बन पाए, कृषि आधारित उद्योगों को अगर प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, तो उसका एक बड़ा कारण ये कानून स्वयं में एक बहुत बड़ा रुकावट था। और इस कानून में ये भी एक दुर्भाग्य रहा कि इस कानून का उपयोग से ज्यादा बाबुओं ने उसका दुरुपयोग किया। इससे देश के व्यापारियों को
निवेशकों को उनको डराने का काम ज्यादा हुआ। अब इस डर के तंत्र से भी कृषि से जुड़े व्यापार को मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद अब व्यापारी कारोबारी गांवों में स्टोरेज बनाने में और दूसरी व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए आगे आ सकते हैं। साथियों, आज जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, FPOs, उनको वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1,00,000 करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो धन किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर 3% ब्याज की छूट भी मिलेगी। थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ किसान संघों से मेरी चर्चा हुई अभी, जो सालों से इस किसानों की मदद कर रहे हैं, संगठन बना करके कुछ न कुछ नई नई कल्पनाएं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस नए फंड से देश भर में ऐसा काम करने वाले संगठनों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादकों के साथ देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा। यानी ये टू वे चलेगा और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है और जिसके लिए हम सबको मिलकर के एक नए तरीके से, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ काम करना है। अब सवाल ये उठता है कि जो कृषि आधारित उद्योग लगने वाले हैं उनको कौन चलाएगा? इसमें भी ज्यादा हिस्सेदारी हमारे छोटे किसानों के बड़े बड़े समूह, जिनको हम FPO कह रहे हैं या फिर हम उसको किसान उत्पादक संघ कह रहे हैं, इन्हीं के द्वारा होने वाली है। और इसके लिए बीते 7 साल से FPO किसान उत्पादक समूह इसका एक बड़ा नेटवर्क बनाने का अभियान चलाया है। आने वाले सालों में ऐसे 10,000 नए FPO किसान उत्पादक समूह पूरे देश में बने, इस पर सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम को आगे बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। साथियों, एक तरफ FPO के नेटवर्क पर काम चल रहा है तो दूसरी तरफ खेती से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक लगभग 350 कृषि स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स फूड, पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं। साथियों, किसानों से जुड़ी ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इनके केंद्र में हमारा छोटा किसान है और हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या छोटे किसानों की है। यही छोटा किसान है जिस पर कोई भी आपत्ति आए तो सबसे ज्यादा परेशानी छोटे किसान को होती है, और यही छोटा किसान है जिस तक सरकारी लाभ पूरी तरह पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। बीते 6-7 सालों से इसी छोटे किसान की स्थिति को बदलने का हम निरंतर और बड़े सुविचारित ढंग से प्रयास कर रहे हैं। छोटे किसान को देश की कृषि के सशक्तिकरण से भी जोड़ा जा रहा है और वो खुद भी सशक्त हो, ये भी उतना ही जरूरी है। साथियों, 2 दिन पहले ही देश के छोटे किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका आने वाले समय में पूरे देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू हो चुकी है। हम महाराष्ट्र से संतरा, अंगूर, प्याज जैसे अनेक फल सब्जियां लेकर ये ट्रेन निकलेगी और बिना समय गवाए बिहार पहुंचेगी। फसल की बर्बादी नहीं होगी और बिहार से जब वापिस आएगी तब वहां का मखाना, लीची, पान, ताजा सब्जियां, मछलियां, ऐसे अनेक सामान छोटे 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 लोगों से लेकर के वो फिर इस तरफ लौटेगी। यानी बिहार के छोटे किसान मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों से सीधे कनेक्ट हो गए हैं। इस पहली ट्रेन का लाभ यूपी और मध्य प्रदेश के किसानों को भी होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन उन किसानों के रास्ते से भी गुजरने वाली है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशन है, यानी एक प्रकार से ये पटरी पर दौड़ता हुआ कोल्ड स्टोरेज है। ये कोल्ड स्टोरेज ही दौड़ता रहेगा, जाएगा, आएगा, सामान लाएगा, छोड़ेगा। इससे दूध, फल, सब्जी, मछली पालक ऐसे हर प्रकार के किसानों को भी लाभ होगा और शहर में इनका उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। ताजा चीजें मिलेगी उनको और जहां से उनको अच्छी चीज चाहिए वहां से मिलेगी। किसान को लाभ ये होगा कि उसको अपनी फसल स्थानीय मंडियों या हाट बाजारों में मजबूरन कम दाम पर बेचना नहीं पड़ेगा, उसकी मजबूरी जाएगी। ट्रकों में फल सब्जी जिस प्रकार बर्बाद हो जाते थे उससे भी मुक्ति मिलेगी और ट्रकों के मुकाबले भाड़ा भी कई गुना कम हो जाएगा। शहरों में रहने वाले साथियों को लाभ ये होगा कि अब मौसम के कारण या दूसरे संकटों के समय फ्रेश फल सब्जियों की जो कमी हो जाती थी वो भी नहीं होगी, और कीमत पर भी जो कभी कभी खेल खेलने का लोगों को मौका मिल जाता था वो भी बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसी गांवों में छोटे किसानों की स्थिति में एक और परिवर्तन आएगा।
अब जब देश के बड़े शहरों तक छोटे किसानों की पहुंच हो रही है तो वो ताजा सब्जियों उगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, पशुपालन और मत्स्य पालन की तरफ भी प्रोत्साहित होंगे, इससे कम जमीन से भी अधिक आय का रास्ता खुल जाएगा, रोजगार और स्वरोजगार के अनेक नए अवसर खुलेंगे। साथियों, ये जितनी भी कदम उठाए जा रहे हैं इनसे 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदलेगी, कृषि से आय में भी वृद्धि होगी। हाल में मिल गए हर जितने भी निर्णय लिए गए हैं, हर निर्णय आने वाले समय में गांव के नजदीक ही व्यापक रोजगार तैयार करने वाले अनेक अवसर इससे होने वाले हैं। गांव और किसान आपदा में भी देश को कैसे संबल दे सकता है, ये बीते 6 महीने से हम देख रहे हैं। ये हमारे किसान ही हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश को खाने पीने की जरूरी सामान की समस्या नहीं होने दी। देश जब लॉकडाउन में था तब हमारा किसान खेतों में फसल की कटाई कर रहा था और बुआई के नए रिकॉर्ड बना रहा था। लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर के दीपावली और छठ तक के 8 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों तक अगर मुफ्त राशन आज हम दे पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी हमारे सामर्थ्य के साथ साथ हमारे इन किसानों की तपस्या जुड़ी है, उनकी मेहनत जुड़ी हुई है, तब जाकर के। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त में खाना मिले, कोई गरीब रात को भूखा न सो जाए, अगर हमारे किसानों ने ये तपस्या न की होती, इतना बड़ा काम न किया होता, तो शायद ये हम भी चाहते हुए भी शायद न कर पाते। साथियों, सरकार ने भी सुनिश्चित किया कि किसान की उपज की रिकॉर्ड खरीद हो, जिससे पिछली बार की तुलना में करीब 27,000 करोड़ रुपए ज्यादा किसानों की जेब में पहुंचा है। बीज हो या खाद, इस बार मुश्किल परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया गया और डिमांड के अनुसार किसान तक पहुंचाया गया। यही कारण है कि इस मुश्किल समय में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है, गांव में परेशानी कम हुई है। हमारे गांव की ये ताकत देश के विकास की गति को भी तेज करने में अग्रणी भूमिका निभाए। इसी विश्वास के साथ आप सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बलराम के हम पर आशीर्वाद बने रहे। कोरोना को गांव से बाहर रखने में जो प्रशंसनीय काम मेरे किसान भाई बहनों ने, हमारे गांव वालों ने किया है, उसको आप जरूर जारी रखेंगे। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये मंत्र पर अमल करते रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। भगवान बलराम के आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर बना रहे। इसी शुभकामना के साथ सभी मेरे देश के किसान भाइयों बहनों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।